इंदौर के देपालपुर कांग्रेस विधायक विशाल पटेल इन दिनों सराहनीय पहल से सुर्खियों में है। शनिवार को इंदौर रोड स्थित जगदीश पटेल वेयरहाउस पर 25 बेटियों को विवाह की दहेज एवं राशन सामग्री उपलब्ध कराई है। बता दें कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत नवविवाहिता बेटी को उपहार के रूप में 51,000 की राशि दी थी ताकि परिजनों पर आर्थिक तंगी का बोझ ना पड़े। ऐसे में देपालपुर विधायक विशाल पटेल अपनी सराहनीय पहल के लिए सुर्खियों में हैं। विधायक विशाल पटेल अपने स्वर्गीय पिता जगदीश पटेल की स्मृति में 3 साल से गरीब और असहाय बेटियों को सहायता प्रदान करते आ रहे हैं। अब तक विधायक विशाल पटेल द्वारा 5,000 से अधिक बेटियों को सामग्री प्रदान की जा चुकी है। शनिवार को भी 25 बेटियों के विवाह की दहेज एवं राशन सामग्री उपलब्ध करवाई गई, जिससे बेटियों के परिजनों ने विधायक विशाल पटेल का आभार व्यक्त किया। माँ जगदम्बा इस धरती पे उतरती है नवरात्र में और आप लोगों के रूप में उतरती है। आप सबको प्रणाम देती हूँ। सौभाग्य भी है कि नवरात्र के दौरान आप सबको मैं कहीं ना कहीं कुछ भेंट बेटे के माध्यम से बोल रहा हूँ, भाई के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मैं आपको कुछ भेंट दे रहा हूँ और देने का उद्देश्य इसके अंदर कोई राजनीति को नहीं है। देने का उद्देश्य ये है कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं हर बाप की इच्छा होती है, माँ की इच्छा होती है कि उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हो। ये माँ तो मेरा एक कहता रहता है कि आप लोगों की खुशियों में मैं भी सम्मिलित रहूँ और आप लोगों की खुशियाँ और बढ़े। शुभकामना, आप लोगों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। बस तो भाई को याद रखना, बस इसकी याद रखना। मेरे पिता का सपना इस देपालपुर विधानसभा कोई भी ऐसा परिवार ना रहे कि जो अपनी बहन बेटियों को विवाह जब करे किसी प्रकार की कोई कमी हो, ये मात्र मेरी तरफ से भेंट है। मैं प्रयास करता हूँ कि हर एक व्यक्ति, हर घर सुख समृद्धि और शांति रहे, पूरी खुशहाली से, पूरे मन से, पूरे भाव से, पूरा परिवार, वो जो कन्या दान जो कर रहा है वो पिता, वो माता, वो कम से कम अपने दिल में रहे कि किसी प्रकार की कमी हम लोगों में नहीं रहेगी। इसी कारण ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका सहभागी बनूं, क्योंकि मैं और मेरा परिवार ये मानते हैं कि देपालपुर विधानसभा का हर एक परिवार हमारे परिवार का सदस्य है। तो ये एकमात्र मेरी तरफ से एक पहल है जो मैं सभी बेटियों को, बहनों को मैं देता हूँ और हमेशा कामना करता हूँ कि जो बहन बेटियाँ यहाँ से विवाह होकर जहाँ भी वो जारी है वो खुद खुश रहे, वो समृद्ध रहे। कोरोना काल मेरे हिसाब से अभी तक जो हम रिकॉर्ड देख चुके हैं करीब करीब हम 4,000 से ऊपर शादियाँ करा चुके हैं और मेरा तो सपना है कि हर एक बेटी का मैं उस घर परिवार का सहयोग कर सकूं और उनका सहभागी बन सकूं। नवरात्रे के अंदर मैं तो ये कहूँ कि इन बहन बेटियों से मुझे आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि नव दुर्गा का जब समय रहता है 9 दिन का, तो साक्षात अम्बे माता इस पृथ्वी पर आती हैं और इन लोगों के रूप में आती हैं। तो इन बहन बेटियों का खूब आशीर्वाद मुझे हमेशा ही मिलता आया है और मुझे पूरी भरोसा है कि आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। देपालपुर से संदीप सेन की रिपोर्ट।